जबलपुर में बाढ़ ने बिगाड़े हालात, तो ग्रामीणों का फूट पड़ा दर्द। समाज सेवियों ने वितरण की भोजन सामग्री। जबलपुर जिले का दुर्भाग्य रहा, विगत 3 वर्ष अगस्त को आई बाढ़ आपदा के दंश से लोग अभी उभर भी नहीं रहे थे। इस वर्ष मालवा अंचल में हो रही तेज बारिश और राजस्थान के कोटा बैराज से छोड़े गए पानी से फिर से चंबल और पार्वती किनारे बसे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं अत्यधिक पानी की आवक से लोगों को भारी आर्थिक नुकसान पहुँचने के साथ ही किसानों की फसल तबाह कर दी। इतना ही नहीं, जल भराव की स्थिति के चलते किसानों को घर में रखी हजारों कुंटल सरसों और गेहूं भी पानी से नस्तनाबूत कर दिए। वहीं बाढ़ के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में कई मकान जमीन दोज हो गए हैं। सच कहें तो लोग वैश्विक महामारी के दौर से भी इतने हताहत नहीं हुए जितना बाढ़ के चलते लोगों को परेशान होते देखा जा रहा है। बाढ़ के चलते लोगों के घर गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया, वहीं लोगों के समक्ष पेट भरने का कोई भी विकल्प नहीं बचा। ऐसे में शासन प्रशासन के साथ गांव-गांव पहुंचकर कमर पानी के बीच समाजसेवी बिहारी सिंह सोलंकी और कन्हैया जाट जैसे समाजसेवियों ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर भोजन सामग्री का वितरण कर लोगों की भूख मिटाई। वहीं सवाई माधोपुर क्षेत्र में सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा, बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ाए, जहां 1,00,000 रुपए तुरंत प्रदान कर भंडारण शुरू करवाए। जयपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। आपका अभी मेरे इस ग्राम में मैंने भ्रमण करा तो जो चर्चा थी इस ग्राम वासी की, उनका कहना ये कि यहाँ पर जो हमेशा ही बाढ़ के हालत बना रहते हैं, तो हम ये गांव अब पहले इनको मजबूर है। तो क्या है स्थिति अभी? हमको जगह चाहिए और बसने के लिए कहेंगे शासन, कहेंगे हमको जगह दे, कहेंगे सास की जगह हो कोई ऐसी बसने के लिए। क्या नाम है जी आपका? राम प्रसाद जी, ये बताइए जब जो बाढ़ आई है, मैं ग्राम में मैंने ब्राह्मण करा तो लोगों का कहना है कि हम इस ग्राम में अब रहना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये डेंजर जोन में आ गया है। क्या कहना चाहते हैं आप, बाकी में ग्राम छोड़ना चाहते हैं? छोड़ना ही पड़ेगा साहब, छोड़ना पड़ेगा, नहीं जहाँ छोड़ेंगे तो आप कहाँ जाना चाहेंगे आप ग्राम छोड़ कर? कहीं भी जगह मिल जाए जगह हमको। आप सरकार से जगह चाहते हैं, खुद निजी खरीदना चाहते हैं? सरकार दिला दे क्या पोजीशन हुई है? क्या चीज है ये? सरसों। सरसों कितनी सरसों थी? ये 150 मन सरसों पूरी खराब हो गई। हाँ। आपका मकान में क्षति कैसे हो गया है? क्या नाम है जी आपका? सियाराम। क्या है अभी आपकी पोजीशन? आपका मकान धस गया है? पूरा धस गया, काम से ट्रेक हो गया पूरा ही। आपका जो गृहस्थी का सामान था? गृहस्थी का सब गया, बेकार हो गया, मामला कर कुछ नहीं मिल रहा। प्रशासन से आपका क्या अनुरोध है? प्रशासन से आपका क्या अनुरोध है? प्रशासन से क्या मांग करते हैं? फायदा मिले तो फायदा, नहीं तो कैसे पालेंगे बच्चे बच्चियों? आपकी की सरसों थी, कितना नुकसान हुआ सरसों का? 150 मन सरसों गई पूरी। कोई काम की बची? कुछ बचा की नहीं। आप देख लो, काम आए तो आप ले जाओ, चाट में डाल में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।